हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीटीयू और एकेटीयू या यूपीएसएससी के रैंक के लिए, जो कि ये सौरभ ज्ञान पे आया है। यहाँ पे केवल एक्सपेक्टेड किया गया है कि आपका इतना रैंक हो सकता है, क्योंकि जो रिजल्ट रिजल्ट अभी आपका आया नहीं है, लेकिन उसका आंसर की जो जारी हुआ उसके माध्यम से आपको अनुमान लग गया होगा कि कितना नंबर आपका आ सकता है। तो आपको अपना नंबर मालूम हो चुका है, तो आप अपना रैंक भी मालूम कर लीजिए। सौरभ ज्ञान बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, यहाँ पे हर एक चीज़ें आपको अच्छी तरीके से मिलती हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको दिखा देते हैं कहाँ दिया गया है एक्सपेक्टेड आपका रैंक। यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर आपका 500 500 तो एकदम आपका नंबर रहेगा नहीं, अगर किसी का होता भी है तो 1 से 700 के बीच में आपका नंबर रहेगा। जो 475 है इससे अगर ऊपर है आपका नंबर तो इतना रैंक किसी के बीच में आपका होगा। अगर आपका 475 से 499 के बीच में नंबर है तो आपको 700 से 1050 के बीच में आपका रैंक होगा। इसी तरह कुछ और भी नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, पूरी डिटेल यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं आपका कितना रैंक होगा। सबसे लास्ट में 120 है, 120 नंबर रहेगा तो 90,000 के नीचे आपका रैंक बन सकता है। ये एक्सपेक्टेड रैंक है जो आपको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे अगर आपका जो भी रिजल्ट आता है या रिजल्ट के साथ रैंक आएगा तो आपको वो 20 मई से 30 मई के बीच में देखने को मिलेगा वो। और जो आपका काउंसलिंग डेट होगा वो 10 जून से स्टार्ट होगा उसका कार्यक्रम। इसी वीडियो में आपको मैं बता दे रहा हूँ। और ऊपर आते हैं तो इसमें ही कुछ और देखने को, कॉलेज आपको टॉप कॉलेज यहाँ पे देखने को मिलेगा जब आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉलेज के आप देख सकते हैं कौन कौन से अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। और यहाँ पे आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच हैं और उसमें कितने सीटें हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा कि पहले से आप जानकारी ले लें तो आप काउंसलिंग कराएँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। Hold me close till I get up.